नमस्कार, स्वागत है आपका हरी टीवी के खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 53 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो वहीं हरिद्वार से कांग्रेस ने पूर्व नगरपालिका चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी पर भरोसा जताया। टिकट घोषित होते ही सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके आश्रम पर पहुंच गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को माला पहनाकर उनको बधाई दी और आश्रम के बाहर नारेबाजी भी की और आतिशबाजी भी। इस अवसर पर हरी टीवी से खास बातचीत में सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड में शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया और उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर 50 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। ऑटो चोरी का हुआ खुलासा। हाल ही में हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित एक ऑटो वाले की शिकायत कनखल थाने में दर्ज होने के बाद कनखल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जाँच शुरू की, तो आज कनखल पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। कनखल पुलिस ने श्यामपुर गाजीवाली के रहने वाले दो सगे भाइयों को ऑटो के साथ गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। उपवा के बैनर तले पुलिस परिवार की महिलाएं बना रही हैं अचार। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन कार्यालय में आज उपवा के बैनर तले लघु उद्योग में अचार बनाने का काम पुलिस परिवार की महिलाओं ने शुरू किया, जिसमें वे मूली, गाजर एवं मौसमी सब्जियों का अचार बना रही हैं। इसका उद्घाटन आज योगेंद्र सिंह रावत की पत्नी लता रावत ने किया और साथ ही उन्होंने महिलाओं का मार्गदर्शन भी किया। इसको एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर देखा जा रहा है और उपवा के बैनर तले पहले भी बिस्किट, केक्स और पेंटिंग्स बनाने का कार्य भी किया जा चुका है। मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी होने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आज हरिद्वार में एक बार मौसम ने फिर करवट बदली है। हरिद्वार में तड़के सुबह से ही देर शाम तक आज बारिश होती रही, जिसके कारण हरिद्वार में तापमान भी काफी गिर गया और सर्द हवाएं चलने लगी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव भी जलाए, तो वहीं बारिश के कारण आज हरिद्वार के तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। शांति व्यवस्था भंग करने में 6 गिरफ्तार। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के बाद हरिद्वार में पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की थी, लेकिन शांति व्यवस्था को भंग करने के खिलाफ हरिद्वार पुलिस अभियान भी चला रही है, जिसके अंतर्गत ज्वालापुर पुलिस ने भादराबाद क्षेत्र के बड़ेड़ी गांव से 4 तो भादराबाद से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद व्यक्तियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कैंप कार्यालय पर हुआ आदेश चौहान का स्वागत। उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी पहले 59 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे आदेश चौहान का आज शिवालिक नगर स्थित कैंप कार्यालय पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने स्वागत किया और उन्हें चुनाव में पूर्ण सहयोग देने का वादा भी किया। अब चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स में जनरल ओपीडी सेवाएं 24 जनवरी से बंद। आज उत्तराखंड में एम्स से एक बड़ी खबर आई, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स प्रशासन ने 24 जनवरी से जनरल ओपीडी को बंद करने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेवाएं और रेडियोथेरेपी की सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। एम्स प्रशासन ने यह फैसला उत्तराखंड में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए लिया है। रैली और रोड शो पर जारी रहेगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि चुनाव के मद्देनजर रैलियों पर, रोड शो पर, बाइक रैली और साइकिल रैली पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक तो उसको बढ़ाकर 22 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध रखा था। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अब डोर टू डोर कैंपेन में 10 व्यक्तियों के जाने की इजाजत भी दे दी है। तो वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने 28 जनवरी के बाद पब्लिक मीटिंग की भी अनुमति दे दी है। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। आज उत्तराखंड एसटीएफ ने उधम सिंह नगर जिले में हाल ही में पंजाब में हुए पठानकोट में बम ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता को शरण देने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और यह भी बात आ रही है कि इनसे कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। अब उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में फिर बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आज उत्तराखंड में कोरोना के 4,759 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में 1,802, हरिद्वार में 607, नैनीताल में 565, तो वहीं उधम सिंह नगर में 395 नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं खेली खबरों की तरफ। वहीं साउथ अफ्रीका के बोलेंड पार्क में 3 ओडीआई श्रृंखला के दूसरे ओडीआई में खेले जा रहे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। 288 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 48.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 288 रन बना लिए। साउथ अफ्रीका के लिए मलान ने 91 तो क्विंटन डिकॉक ने 78 रन की पारी खेली, तो वहीं भारत के बॉलर विकेट लेने में नाकामयाब रहे।
भारत के लिए बुमराह ने एक, चहल ने एक, तो शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट झटका। अब कल खेले जाने वाले मैचेस। कल को अफगानिस्तान का मुकाबला ओडीआई में नीदरलैंड से होगा, तो वहीं दूसरी ओर भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। भारत सीरीज में पहले ही 2-0 से हार चुका है। अब फुटबॉल की खबरें। वहीं कल रात फुटबॉल में खेले गए मैचों में इंग्लैंड की लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने एवर्टन को 1-0 से, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से, तो वहीं बुंदेसलीगा में बर्लिन ने मुंशन ग्लैडबैक को 2-1 से हरा दिया। अब आज शाम को होने वाले फुटबॉल मैचेस। आज शाम को इंग्लैंड की टॉप फ्लाइट इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का मुकाबला बर्नले से, तो वहीं जबरदस्त मुकाबले में चेल्सी टोटनहम से भिड़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर स्पेन की लीग लालीगा में रियल मैड्रिड का मुकाबला एल्चे से होगा। रियल मैड्रिड अभी भी लीग में शीर्ष पर काबिज है। तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी की लीग बुंदेसलीगा में हेर्था का मुकाबला बायर्न म्यूनिख से होगा। ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।